श्याम तेरे रूप अनेक, हर रूप तेरा मुझ में बसता सजाए। जग में ढूंढे लोग तुझे, तेरी बंसी यहाँ शोर मचाए। कान्हा के हर रंग को समेटे, आज हम ब्रज की इस भूमि में आपका स्वागत करते हैं। यमुना नदी की लहरों में आज भी कान्हा की बंसी की धुन सुनाई देती है। इसी के साथ आज हम आपको लेकर चलेंगे कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की ओर। तो चलिए NMF न्यूज की टीम के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्रकृति के हर रूप को आस्था का प्रतीक मानते हैं। पेड़ों से लेकर नदियों तक की यहां पूजा की जाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिसे गंगा की साथी और ब्रज संस्कृति की जननी माना जाता है। NMF न्यूज की टीम जब कृष्ण जन्मस्थली मथुरा पहुंची तो यहां यमुना नदी का एक भव्य नजारा देखने को मिला। यमुना का पानी मानो कई रंगों में घुला दिखा, या यूं कहे कि यमुना यहां रंगीन दिखी। करीब से देखने पर पता चला कि यहां मथुरा की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे श्रद्धा से लोग चुनरी उत्सव कहते हैं। लगभग कई मीटर लंबी चुनरी भक्त यमुना नदी को चढ़ाते हैं। इसी चुनरी को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक चढ़ाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के यमुना नदी के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर अभी चुनरी उत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो आपको बताएंगे क्या है चुनरी उत्सव और क्या है इससे जुड़ी मान्यता। चुनरी उत्सव ऐसा होता है कि यमुना जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारी मनोकामना जो पूर्ण करने के लिए, पूरा तट को ढकते हैं चुनरी से और सबका मनोरथ पूरा हो इसी मनोकामना हम मांगते हैं। 5000 साल के पहले से ये मान्यता चली आ रही है और ये हर श्रद्धालु यहाँ आते हैं बार बार, और हम भी ऐसे, हमें अपने कुछ मनोरथ लेके आए हैं और जो मनोरथ हमारे पूर्ण हो गए हैं। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, मने जमुना जनो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परोड़ी मने राधा रानी लागे, मने जमुना जीरो पानी मने कारो कारो लागे। इस यमुना नदी से किसी की आस्था है तो किसी को उम्मीदें, तो किसी के सपने। यही नहीं, ये यमुना कई लोगों के रोजगार की भी वजह है, या यूं कहे कि कई परिवारों की खेवनहार भी है। जिसकी उम्मीदें पूरी होती हैं वो यमुना मैया को चुनरी चढ़ाते हैं, और जिसे अपनी मनौती पूरी होने का इंतजार होता है वो माँ यमुना के आगे अपना शीश नवाता है। लेकिन आखिर में बस एक सवाल यही, फिर भी यमुना गंदी क्यों है? वीडियो जर्नलिस्ट कुमार संभव के साथ सुकृति रॉय, NMF न्यूज़।